क्या बात है सर आपकी, बहुत अच्छी मिमिक्री की आपने और बहुत मजा आया, हम सब ने बहुत एंजॉय किया इस चीज को। और आपकी ईद जो है वो गुजर रही है, अभी दो दिन और बाकी हैं, हम तुम्हारी दुआ आपकी ईद और अच्छी गुजरे। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब सुमैरा शमा साहिबा, तो जरा क्षमा कीजिएगा, कुछ सवाल करना चाहेंगे आपसे, और सवाल आपसे मैं नहीं फातिमा करेंगी, फातिमा सवाल कीजिए। अच्छा तुमने क्षमा मांग ली है, क्षमा मैंने क्षमा तुम्हारे हिस्से की मांग ली है ना उनसे, अब तुम बात करो आगे। जब से लोड सेटिंग हुई है तब से इन्होंने अपना नाम क्षमा रखा। अच्छा तो आप मुझे बताइए अपने एल्बम में आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा पसंदीदा गाना गजल एक, जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी सोचा ना था, जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी सोचा ना था, टूट कर ऐसे बिखर जाएगी सोचा ना था, हम तो ठंडक की लेगी आज चले घर से मगर आग सीने में उतर जाएगी सोचा ना था। अल्लाह वाह क्या बात, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये गजल, दिल में उतर जाएगी सोचा ना था। हाँ और क्या बात, जब हम भी कुछ कह देते होते हैं। चले अब और ईद बताइएगा आप कैसे गुजारते हैं अपने? ईद बहुत मजे से, चांद रात को इतना बिजी होते हैं पूरी रात, चूड़ियां मेहंदी, अपनी बहनों का मैंने सर खाया होता है, पॉलर का करती है ना, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे मेहंदी लगाओ, मेरे नेल बना दो, मुझे ऐसे कर दो, मुझे ऐसे कर दो। शमा ब्यूटी सैलून, शमा जी, तो ये शमा चौक पे है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन नाम है तो बस शमा, शमा कर देनी में, यानी कि अपनी रात को चांद रात को तैयारियां करते हैं ईद की, सुबह ये पहनना है, सुबह ऐसे तैयार होना है, वैसे तैयार होना है, ये बनाना है बच्चों के साथ, यानी कि जैसे बच्चे खेलते हैं सारी रात इसी तरह गुजर जाती तैयारियों में बच्चों के और साथ। मेहंदी आप लोगों लगाते हो आपस में बहनें एक दूसरे को? हाँ लगाती है, मुझे लगानी नहीं आती, मैं लगवाती हूँ। अच्छा, लगवाती मुझे मेहंदी लगा दो बस, तो वो तो आपस में लगा लेती है। अच्छा, मीठे में आपको क्या पसंद है, जो कि आप चाहती है कि ईद पे आपके घर के टेबल पे बस तीनों दिन पड़ा रहे? मीठा मुझे पसंद नहीं है, बाकी ईद पे जो बनता है मैं खाती जरूर। फातिमा को बड़ा पसंद है मीठा, उठा उठा के खाई जा रही थी बस, नहीं आप सारे मेरे पीछे क्यों पड़ गए आप सारे? जैदी मैं जा रही हूँ, नहीं 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 नहीं, छोटी सी ब्रेक। फातिमा बिल्कुल मीठा नहीं खाती है जी, बिल्कुल मीठा नहीं खाती, बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, हाथ नहीं लगाती, ये तो डाइट रसगुल्ले पड़े मुंह में डाल के खा जाती है, ये तो डाइट रसगुल्ले पड़े वो जो उस तरफ नहीं, वो लड्डू जो यूं करके घूर रहा है, वो डर रहा है कि फातिमा उसको ना उठा ले। बेसिकली आप दोनों का दिल कर रहा है क्योंकि आप लोगों का हाथ नहीं वहां तक जा रहा, और जरा मैं जरा इजीली पकड़ लेती हूँ, इसलिए तुम दोनों जर रहे हो। जलेबी, जलेबी को पकड़ने लगी तो आगे से जलेबी ने कहा जलेबी चले। जलेबियों से बात हो रही है, अच्छा ये बताइए जैसे पूछा गया आपसे कि मीठे में आप बताए जरा क्या खाती है? मीठे में फिर हलवा ही खा लेती हूँ मैं, फिर हलवा ही खा लेते हैं, यानी मीठा पसंद नहीं है, मीठा पसंद नहीं है ना। अच्छा, और ईद पे, ईद के दिन कुछ बंदे का दिल करता है कुछ बनाए कुछ? बनाती नहीं हूँ क्योंकि घर पे छोटी बहनें हैं, अम्मी हैं, तो वो सब बना लेती हैं। अच्छा। मैं अपनी तैयारियों में ही होती हूँ। अच्छा। जब बन जाता तो फिर कहती हूँ कि अब मुझे डाल के दे दो, मैं भी डाल के पता चेक लूँ। ये सवाल मैंने एक दफा किसी सियासतदान से किया, मैंने कहा जी आप क्या बनाते, कहते जी बेवकूफ। मैं इसका मतलब मैं बेवकूफ बना रही हूँ? सियासतदान थोड़ी है, ठीक है आप कुछ कह रही थी मुझसे। हाँ मैं कहती तुम्हें पता है लड़कियों में एक ये बहुत चीज होती है कि ईद वाले दिन कोई किसी से कम ना रह जाए, इनफेक्ट एक छोटा सा इयररिंग होता है उसकी वजह से या एक नेल कलर की वजह से देख लेती है ना, वो कजन आई है तो उसने ये लगाया तो मैंने क्यों नहीं लगाया, कहती है अम्मी मैं एक मिनट आई ऊपर कमरे में मोबाइल भूल गई हूँ, वो लेने के बहाने प्रॉपर नेल कलर लगा कर सारा आती है। और काशी भाई मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि मेकअप ईद वाले दिन ये बहुत ज्यादा करती है और बहुत देर लगाती है? नहीं शुक्र है टरू नहीं हो जाता, सुबह हो गई टरू हो गया, गुजर गया थोड़ा सा पता है इनको, शहर की लड़कियां ना पेंडू लड़कियां होती हैं, लड़के भी आजकल कुछ कम पेंडू लड़कियां होती हैं जो दो मिनट में मेकअप कर लेती हैं। नहीं लेकिन आजकल लड़के भी कुछ कम नहीं ज़्यादा, तो मैं मानना पड़ेगा, मैं तो जनाब नेचुरल ब्यूटी होती है काशी भाई, कैसे ऐसे ही है ना, माय गॉड। तो सुमेरा अभी मेरा मूड हो रहा है, जैदी का भी हो रहा है कि हम कुछ आपसे सुन लिया जाए, बिकॉज जब आप बोलती हैं तो आवाज आपकी ऐसे ही बहुत सुरीली है, तो गाने भी कैसी सुरीली होगी? हाँ मीठा तो आपने खाया, मेरी आवाज मीठी कैसे होगी? और आपके एल्बम में एक सॉन्ग है पायल, मैं वो सुनना चाहूंगा, पायल बहुत अच्छा सॉन्ग है। अच्छा ठीक है जरूर सुनाइएगा, जी बिल्कुल क्लैप करेंगे सुमैरा जी के लिए, क्लैप।
पायल में चाहे मोरी शोर तोरे मन में चोर हाय मोरी चूड़ी आना तोड़ कलाई छोड़ पायल में चाहे मोरी शोर तोरे मन में चोर हाय मोरी चूड़ी आना तोड़ कलाई छोड़ पायल में चाहे मोरी शोर Honey, love me more. Go with her, please. She'll never get to go. Wanna come in and your heart, girl. Open the door. Nathalie, jhumar, jhumpa, paahe, nahi laahe. Nathalie, jhumar, jhumpa, paahe, nahi laahe. Humka batao, paahe, der se tum aaye. Humka batao, paahe, der se tum aaye. Man mein hai thare koi aur. मेरा जी कमाल आपने पायल सॉन्ग बहुत अच्छा आप बहुत महसूस हुए हम सुन के हमारी ईद के रंग दुबाले हो गए अच्छा वाह वाह और देखिए इनके गाने को चार चांद आपके डांस से लगाए क्या बात है आप डांस लगाए मैं पाजी क्लैप यार मेरे आप बिल्कुल जी लेकिन आपके डांस के लिए भी किया आपके डांस के लिए बहुत अच्छा डांस भी करते हैं आप डांसर क्यों नहीं बन जाते हैं जी नहीं बस यही ठीक बनने की जरूरत नहीं है ना डांसर नहीं हुई बैठ हुआ डांस कर लेता हूँ बहुत बुरा डांस ये कोई नई कैटेगरी है ये डांस की बैठ हुआ डांस अच्छा ठीक है चले अब हम फातिमा हाँ, ऐसा करते हैं कि शो अब और आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक बहुत अच्छे और सिंगर मौजूद हैं और प्यार से इन्हें लोग कहते हैं गुल जी और हंस पड़ते हैं इस बात से जी जब उन्हें जी कहा जाए तो हंस तो जरूर है क्योंकि प्यार से नाम रखा है और मन पुकारे इनके एल्बम नहीं पुकारते जैसे सुनो जी तो आगे से मुस्कुराता बंदा वैसे इनसे पूछ ही लेते हैं कोई है आपकी लाइफ में जो आपको कहती है जी हाँ जी हाँ जी नहीं जी नहीं जी अच्छा ठीक है नहीं जी ठीक है यानी कोई नहीं है लाइफ में तो ये मन किसको पुकार रहा है फिर आपके एल्बम का नाम मन पुकारे जारी बात है अगर नहीं है तो उसको पुकार रहा है क्या बात है तलाश सर्चिंग अच्छा ये बताइएगा आप ईद कैसे मनाते हैं अपने घर वालों के साथ फ्रेंड्स के साथ कैसे नहीं ईद का फर्स्ट डे जो है वो तो अपने फैमिली के साथ रिलेटिव्स वगैरह जो हैं वो हमारी तरफ आते हैं मिलते हैं उनको उनकी तरफ जाते हैं वो केक शेक देने लेने का वो सिलसिला जारी रहता है ईद के दूसरे दिन का प्लान बनाते हैं दोस्तों के साथ जरा बाहर आउटिंग शॉपिंग पे निकले और जरा हल्ला गुल्ला करें गाड़ी बात है रोजे रखे हैं काफी जेल काटी जेल काटी जेल काटी आपके सारे रोजे चलो ठीक है वो सही कह रहे हैं रोजे कैद हो जाते हैं
उसमें फिर यार रोजे अड्डे खूबसूरत एक एलिमेंट एक एहसास है आपके साथ एक बंदा बैठा होगा। काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद है और बहुत चमक दमक रहे हैं ईद के मौके पे। अच्छा ये बताइए आज ईद का दिन था और आपने कितनी ईदी जो है ईदी सबसे बड़े हैं या छोटे हैं घर में? मैं घर में सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं तो बड़े फायदे हैं इकट्ठी की यानी ईदी, तो जरा बताइए कैसे कितनी ईदी इकट्ठी की आपने? सबसे छोटे का बहुत फायदे होते हैं, काफी इकट्ठी हो जाती है मगर उसमें फिर ये है कि मेरे से भी छोटे काफी लोग हैं। अच्छा आपसे भी छोटे हैं? निकल उकल जाती है तो अच्छा तो इस तरह से ठीक ठीक। और घर में आप मतलब कुछ बनाते भी हैं या ईद पे सवैया या मीठा क्या खाते हैं? हाँ घर में हमारे स्पेशली बहुत एहतमाम किया जाता है, स्पेशली मेरे फादर उनको बहुत शौक है कुकिंग का। अच्छा। और वो ईद के दिनों में हमारे लिए बहुत कुछ पकाते हैं खास तौर पे, क्योंकि आम रूटीन में तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो ईद पे वो हमारे सब घर वालों के लिए खाना उनकी तरफ से होता है। वो मीठे में सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? फैमिली वाले सारे बैठे होते हैं दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ, तो वो स्पेशली उनकी ईद के ऊपर हमारे लिए सारा खाना वगैरह वो अपने हाथ से बना के स्पेशली खाना बनाते हैं। क्या मीठा बनाते हैं? क्या बात, क्या बनाते हैं मौके पर? खाना पहले मीठा होगा बाद में खाना? नहीं मीठा वो नहीं बनाते बेसिकली, उनको ज्यादा जो है वो जो हमारी जो के खाना पापा बनाते हैं, ये सिर्फ बातें बनाते हैं, ये सिर्फ बातें बनाते हैं और खाते हैं। और गाते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल काशिफ भाई गाने से याद आ गया, मैं अभी बैठा हुआ सुन रहा था, आप भी गा लेते हैं, आप भी गा लेते हैं, आप भी गा, सिर्फ एक ये है जो नहीं गा सकती, ये भी गा लेती हैं, ये भी गा लेती हैं, कब से गा ही रही है सुनाई नहीं दे रहा है, बस गा जरूर रही हैं। मैं गा रही हूँ रसगुल्ला जलेबी इनका वो वाला गाना नहीं सुना? कौन सा? खा मोरे मन खाता जा रे, क्या बात है जी बिल्कुल उस पे एक्टिंग मैंने अच्छा किया। वो देखे ना वो रखने वाले ने भी वो उनकी तरफ ही रखा है कि कहीं बिल्कुल सही है इधर का कोई बंदा उधर हाय कितना अच्छा कोई बंदा। रखने वाले भी शेर की नजर रखते हैं। चले जी अब एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं गुल जी से। कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं हमें अपने एल्बम से? टाइटल सॉन्ग जो है मन पुकारे, मेरा फेवरेट और जिस मेरे जितने सुनने वाले हैं उन सबका फेवरेट भी वही है, तो मैं भी चाहूंगा कि आज आप लोग बिल्कुल आपसे हम यही सुनेंगे उसमें गुल जी। मगर उसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह इनका सॉन्ग था उसमें जरा डांस नहीं हो सकता, तो वो जरा थोड़ा सा कह ले के सेमी में वीडियो टाइप है, तो इसमें ये डांस नहीं कर सकेंगे, डांस नहीं कर सकते मगर सर ये करेंगे डांस, एज ए फ्यू डांस करेंगे मेरा जी कुछ कह रहे एज ए फीमेल मॉडल परफॉर्म कर सकते हैं अगर। जनाब आप छोड़ दें ये मेरे पे काशी भाई की और मेरी बात है, ये देखना भी परफॉर्मेंस होगी आपका सॉन्ग अच्छा सा और मन पुकारे टाइटल सॉन्ग इनका सुनते हैं। मन पुकारे ये दिल तुम्हारे बिना कहीं अब ना चैन पाए रे, पास आओ ना यूं सताओ के बिन तुम्हारे जिया अब न जाए। मन पुकारे ये दिल तुम्हारे बिना कहीं अब ना चैन पाए रे, पास आओ ना यूं सताओ के बिन तुम्हारे जिया अब न जाए रे। तुम ही सांसें हो, तुम ही धड़कन हो, तुम ही हो मेरा प्यार, पालूं तुमको मैं चुलूं तुमको तो आए मन को करार। मन पुकारे ये दिल तुम्हारे बिना कहीं अब ना चैन पाए रे, पास आओ ना यूं सताओ के दिन तुम्हारे जिया अब न जाए रे। से याद ना आए तेरी जुल्फों के बादल घने, आंखों में काजल लगा के तुम मेरी तमन्ना बने, कैसे याद ना आए तेरी जुल्फों के बादल घने, आंखों में काजल लगा के तुम मेरी तमन्ना बने, तुम ही यादों में तुम ही
बातों में तुम्ही मेरा खुमार पालूं तुमको मैं चुलूं तुमको तो आए मन को करार मन पुकारे ये दिल तुम्हारे बिना कहीं अब ना चैन पाए रे पास आओ ना यूं सताओ के दिल तुम्हारे जिया अब न जाए रे खामोशी क्यों है छाई अनकही सी लबों पे तेरे मैंने तो सब कह दिया है तुम भी कह दो कि तुम हो मेरे खामोशी क्यों है छाई अनकही सी लबों पे तेरे मैंने तो सब कह दिया है तुम भी कह दो कि तुम हो मेरे कैसी खामोशी कैसी मदहोशी कैसा ये इंतजार पालूं तुमको मैं चुलूं तुमको तो आए मन को करार मन पुकारे ये दिल तुम्हारे बिना कहीं अब ना चैन पाए रे पास आओ ना यूं सताओ के बिन तुम्हारे जिया अब न जाए रे तुम ही सांसें हो तुम ही धड़कन हो तुम ही हो मेरा प्यार पालूं तुमको मैं चुलूं तुमको तो आए मन को करार मन पुकारे ये दिल तुम्हारे बिना कहीं अब ना चैन पाए रे पास आओ ना यूं सताओ के बिन तुम्हारे जिया अब न जाए रे मन पुकारे ये दिल तुम्हारे बिना कहीं अब ना चैन पाए रे पास आओ ना यूं सताओ के बिन तुम्हारे जिया अब न जाए रे वाओ क्या बात है जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपने और मन पुकारे और आप सबको क्लियर हो गया मन क्या जी जी बिल्कुल अब हमें क्लियर हो गया फातिमा किंग का मन क्या पुकारे और इन्होंने इतना अच्छा गाना गाया है कि ईद का मौसम ही अच्छा हो गया बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है आपकी और हमारी दुआ है कि आपको इसी तरह गिटार परफॉर्मर्स थे ये भी बहुत अच्छे थे मेरा बैंड भी यहीं पे बन गया मेरे गिटारिस्ट म्यूजिकल बैंड आपके गिटारिस्ट इन्होंने ना इतना अच्छा मैं देख रहा था इनका गिटार और मैं बहुत अच्छा गिटार ऐसे बजाता हूं बगैर गिटार के बस वो टूटा नहीं बाकी ठीक था और बहुत मजा आया आप तीनों के साथ गपशप करने का आप लोगों के साथ ईद शेयर करने का आप लोगों ने हमारे साथ ईद शेयर की हमें इतना टाइम दिया थैंक यू वेरी मच और हम लोग आपको अपनी तरफ से ईद के लिए एक छोटे छोटे तोहफे देना चाहेंगे अगर आप लोग उन्हें अपनी चाहत के साथ कबूल करें तो बिल्कुल प्लीज कुछ नहीं काशिफ भाई कुछ नहीं कहिएगा तो तोहफे आपको लेके जाने होंगे मैं राधिका ये कहना चाहता था कि तोहफा छोटा नहीं होता तोहफा हमेशा बहुत बड़ा होता है और राणा विष्णु प्रताप सिंह नाम है मेरा अरुज चैनल का तोहफा हो और छोटा हो ये तुमने कैसे कह दिया ओह माय गॉड आई अपोलोजाइज ठीक है सॉरी और ये हमारी तरफ से आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स है और ये आपके लिए जी जी बहुत सारी दुआओं के साथ थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे साथ अपनी ईद शेयर की और हमें बहुत मजा आया आप लोगों के साथ अपनी ईद शेयर करने का तो बहुत मजा आया होपफुली मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी और शो पर और बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बातें करके और हमारी ईद बहुत अच्छी जा रही है और हमारा शो बिल्कुल अभी जारी और सारी है और आप लोगों को दुआएं हम विशेष के साथ उन्हें रुखसत करेंगे कि आप लोग अपनी जिंदगी में जो काम कर रहे हैं बहुत अरूज तक जाएं ये अरूज चैनल की भी दुआएं आपके साथ हैं तो हम लोग तो अपनी ईद बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ बहुत मजे से ईद एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ईद की खुशियां हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे जैसे कि हम कर रहे हैं और इस टाइम पे हमारे साथ हमारे दो और साथी हमें ज्वाइन करेंगे जिसके बारे में आपको जल्दी बताएंगे जी मैं बिल्कुल डिफाइन करूंगा अभी हम जो है कुछ मीठा खाने जरूर जाएंगे और मीठे के बगैर तो गुजारा नहीं है तुम्हारा अपनी बात नहीं कह रहा हूँ मैं तो कुछ पी लूंगा तो मेरा गुजारा हो जाएगा दीदी तुम क्या कहना चाह रहे हो
अच्छा चले आगे बढ़ते हैं और जब हमारे प्रोग्राम में आएंगे वो लोग और जिसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे उससे पहले उसके साथ ही बल्कि आप अभी जो बकिया हिस्सा है अभी जो ब्रेक आएगी उसमें उसमें आप एक प्रोग्राम आ रहा है ईद का प्रोग्राम है ईद स्पेशल विद रबिया बच्चों की ईद और बहुत अच्छा मुनफरिद सा प्रोग्राम है आपके लिए अरूज लेके आया है जरूर देखिए और हम बस कुछ खा पी के थोड़ा सा और अभी वापस आ रहे हैं आप लोग कहीं मत जाइएगा स्टे ट्यून विद अस